कोरोना काल में लॉकडाउन के समय दिवंगत हुए लोगों के अस्थि विसर्जन को लेकर बीजेपी की ओर से निःशुल्क बस यात्रा चलाई गई है। इसी कड़ी में बुधवार को आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने दो बसों को हरी झंडी दिखाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया। दोनों बसों में 40 दिवंगत लोगों के 80 परिजन हरिद्वार भेजे गए हैं। इससे पहले दिवंगत लोगों की अस्थियां विसर्जन करने जाने वाले परिजनों के लिए आदर्श नगर बीजेपी की ओर से मास्क, सैनिटाइजर और भोजन के पैकेट की व्यवस्था भी की गई। सतीश पूनिया ने कहा कि लॉकडाउन में दिवंगत हुए लोगों की अस्थियों के हरिद्वार में विसर्जन के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अपने खर्चे पर अलग अलग क्षेत्रों से बसें भेज रहे हैं। सरकार ने भी पार्टी से सीख ली है, ये भारतीय जनता पार्टी के कई नवाचारों में नवाचार है, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में इस तरीके से लोगों के मोक्ष के लिए गंगा जी में उनकी अस्थियों का विसर्जन ये कारक माना गया है, और इसलिए हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों ने इसकी पहल करके, क्योंकि लगभग 2 महीने से लॉकडाउन के कारण अपने दिवंगत जो पितृ थे उनकी अस्थियों को वो प्रवाहित नहीं कर पा रहे थे, तो आज आदर्श नगर में श्रीमान अशोक परनामी जी के नेतृत्व में हमारे सांसद बोरा जी इन सब श्रद्धालुओं को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस महामारी में इस तरीके के छोटे छोटे उपायों से